हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, आई वेलकम यू ऑल इन आवर क्लास। दिस इज फॉर क्लास सिक्स साइंस। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस एनसीईआरटी चैप्टर 10, विच इज अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स। एज यू नो, साइंस इज डिवाइडेड इन थ्री sections, three parts: physics, chemistry and biology. So this comes under your physics portion, motion and measurement of distances. So dear students, I am going to explain this chapter from NCERT book, and in continuation of this video I will provide notes for this chapter in further videos, next videos. This chapter starts with a discussion among two children named Paheli and Bujho. Paheli and Bujho, they had visited during the summer vacations to the places of their interest. Someone had gone to their native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. You know bullock cart, belgadi. One student had travelled by an aeroplane. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. So students, in this paragraph you need to understand that different vehicles move with different speeds. We use different modes of transport like train, bus, bullock cart, aeroplane, boat, etc. And they move differently, they move with different speed. So in this paragraph you have to introduce with the topic that we use different modes of transport for our movement. Now the teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by a spacecraft all the way to Mars. In this paragraph, the teacher discusses about a newspaper article that contains the information about small wheeled vehicles that moved on Mars, surface of Mars. तो ये सारे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स के मोशन की तरफ इशारा करते हैं, और जैसा कि जानते हो इस चैप्टर में भी मोशन और मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एनशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम। इसी बीच पहेली क्या कर रही है, वो एनशियंट इंडिया की स्टोरी पढ़ रही है। एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, जो तुम हिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड सी वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम। पुराने समय में लोग कैसे ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह, है ना। मीन्स आप समझ सकते हैं कि टाइम टू टाइम, विथ पासेज ऑफ टाइम, विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, द फील्ड ऑफ मोशन ऑल्सो बिकम्स एडवांस्ड एंड ऑल्सो बिकम्स टेक्नो फ्रेंडली। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, और मूवमेंट और मोशन और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। सो लेट अस स्टार्ट अ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। This story says how
पीपल चेंज्ड देयर वे ऑफ मूवमेंट, देयर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विथ टाइम, समय के साथ कैसे लोगों ने अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चेंज किया, इस पैराग्राफ में हम समझेंगे, ध्यान से सुनना। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स पुराने समय में जब किसी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, किसी तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं हुआ था, तो लोग अपने बॉडी, अपने शरीर का ही सहारा था लोगों के पास। दे यूज टू मूव ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर ओन, ऑन देयर बैक और ऑन देयर हेड, अपने पीठ पर रखकर या अपने सिर पर रखकर या हाथ में लेकर वो गुड्स को कैरी करते थे और पैर से चलते थे। लेटर ऑन दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बाद में वो एनिमल्स का यूज करने लगे, जानवरों का इस्तेमाल करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेयर यूज्ड फ्रॉम एनिशियंट टाइम। देखो बच्चे, उसके बाद शुरू हुआ वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। विद द हेल्प ऑफ वाटर द लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक वुडन ब्लॉक मे फ्लोट ईजिली, पानी में लकड़ी के बने हुए ऑब्जेक्ट्स आसानी से तैर सकते थे, और इसी का हेल्प लेकर बोट का इन्वेंशन हुआ। एंशियंट बोट्स वेयर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ होलो कैविटी कुड बी मेड। पुराने बोट भी क्या होते थे, लकड़ी के सिंपल टुकड़े होते थे जिसमें थोड़ा सा स्पेस बना दिया जाता था, उसको खोद खोद कर उसमें थोड़ा सा जगह बना दिया जाता था, खाली कर दिया जाता था बैठने के लिए और सामान रखने के लिए। लेटर पीपल लर्न टू पुट टूगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट। बाद में लोगों ने लकड़ी के अलग अलग टुकड़े को जोड़कर सही शेप, जो बोट जैसा शेप देने की कोशिश की गई, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी देख लो किस तरह से सिंपल से एडवांस होता गया। नाउ दिस साइड यू कैन सी इमिटेटेड द शेप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, मतलब जो बोट का शेप दिया गया वो पानी में रहने वाले और पानी में तैरने वाले एनिमल्स के शेप की नकल करके दिया गया। आप देख सकते हैं कि जैसा फिश का शेप होता है, दिस स्पेशल शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन शेप, तो कुछ कुछ वैसा ही शेप बोट को दिया जाता है, है ना, थिकर इन द मिडिल एंड थिनर और नैरोअर नियर द एंड्स। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस streamlined shape of fish in chapter 8 and 9. You are a biology person and you have studied about the shape of fish, which is also called a streamlined shape. So the shape of boats are made similar to the shape of fish or other animals living in water. Invention of next paragraph, you can see invention of wheel made a great change in modes of transport. Later on, wheels are invented and this invention made the transportation more advanced. The invention of wheel brought a great change in modes of transport, especially land transport. Land transport, जमीन पर चलने के लिए full technology प्रूव हुआ। The design of wheel was improved over thousands of years. पुराने जमाने में wheel भी क्या होते थे, simple होते थे, and slowly their design was improved with advancement of technology. Animals were used to pull carts that moved on wheels. व्हील पे चलने वाले गाड़ियों को खींचने के लिए एनिमल्स का यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। Until the beginning of the 19th century, people still dependent on animals, boats and ships to transport them from place to place. कह रहा है कि 19th सेंचुरी के शुरुआत तक भी लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहे हैं। मींस दे यूज्ड एनिमल्स बोट्स एंड शिप्स
to transport them from place to place. Even today we can see these techniques. आज भी हम animals, boats और ships का use करते ही हैं, but इनका use, इनका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कम हो गया है, और technology आने से अब ship और boat भी machines operated हो गए. These are driven with the help of machines or motors. The invention of a steam engine led to the development of new means of transport. व्हील की डिस्कवरी के बाद स्टीम इंजन की डिस्कवरी ने भी ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट में एक नया रास्ता खोल दिया है. मोटर ऑपरेटेड व्हीकल्स की शुरुआत स्टीम इंजन के साथ ही हुई है. रेल रोड्स वेयर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरेजेस एंड वैगन्स, एंड दीज स्टीम इंजन ड्रिवन vehicles were moved on land surface and for convenient railroads were made. Railways were started. So students, this is the end of this page. Let us move to the next page. Later came ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस. बाद में ऑटोमोबाइल्स मीन्स खुद से चलने वाले व्हीकल्स आए, लाइक मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस. मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वेयर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. आई हैव सेड अर्लियर, पहले ही हम बता चुके हैं कि आजकल जो बोट और शिप्स भी चलते हैं उसमें मोटर लगे होते हैं, एंड दे आर ऑटो ड्रिवन. The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. These were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contributions of the 20th century. So this paragraph shows how advancement of technology, how growth of technology improved the means of transportation. आज हम एरोप्लेन, सुपरसोनिक एरोप्लेन जो साउंड से भी तेज चलते हैं, सुपरसोनिक मीन्स फास्टर देन साउंड, सुपरसोनिक एरोप्लेन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन यूज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आज हम लोग यूज कर रहे हैं. और नॉट ओनली ऑन अर्थ, वी आर एबल टू मूव इन स्पेस विथ अ स्पेस क्राफ्ट. This figure shows different means of transport you can see. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? क्या कुछ ऐसे early modes of transport तुम बता सकते हो जिसका इस्तेमाल आज नहीं होता है? Yes, you can say. So students, basically this was the introduction about modes of transport, and you can see way of movements has been changed with time passes and continuously changing. Even today new technologies are being developed, and this affects our way of movement, our modes of transport. So with these explanation, I'm going to end this class. In next class, we will continue with how we measure distances, and we will study, we will learn something about measurement. Till then, goodbye.